So welcome back to the channel. मल्लयांगिरी. फिर से. Good morning. अभी आए हुए हैं breakfast करने के लिए. अभी चिकमंगलूर में ही हैं. आज कोई plan नहीं है. So we have just decided some random points. हम जाएंगे bike से. देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं. और आज ही departure है Bangalore के लिए. Today the date is 20th October 2018. So अभी बज रहे हैं सुबह के 8. और डोसा, डोसा. हम दोनों खा रहे हैं डोसा. रतन भाई सब कॉफी पी रहे हैं. बल्ली पाजी कॉफी, वेरी कॉफी. अरे चिकमंगलूर आके अगर कॉफी नहीं पिया तो फिर क्या पिया. So we are back on the road and now we are heading towards Mullayanagiri peak. I think it is approximately 21 kilometers from here. But I don't know, somewhere telling कि रूट जो है वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है. तो मज़ा आने वाला है क्योंकि BMW की असली टेस्टिंग होगी ऑफ रोडिंग पर. तब पता लगेगा कि BMW कितनी खरी उतर पाती है ऑफ रोडिंग ट्रैक्स पर. येस, आई एम सो एक्साइटेड टू राइड दिस बीस्ट ऑन द ऑफ रोड ट्रैक. और मेरा जो दोस्त है जतिन, आज मेरा नेविगेटर थोड़ा सा बीमार है, हल्का सा फीवर आ गया उसे. शायद राइडिंग का असर है. मे बी इतनी लंबी राइड कभी की नहीं है उसने. ऐसा होता है, अक्सर होता है. लास्ट ईयर स्पीति में भी बल्ली के साथ कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है एक बार. एंड वंस यू आर अ राइडर, यू आर ऑलवेज अ राइडर. सो डोंट वरी अबाउट इट जतिन. और टाइम हो रहा है 10:36. और एन्जॉय कर रहे हैं. क्या आप मेरे पिछले वाले ब्लॉग्स नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए, इसके 3 पार्ट हैं. और आज Day 4 है. Day 4 बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो बड़ा मौसम सुहाना है. That's it. देखते हैं आज कितना कवर कर सकते हैं, कितने फॉल्स जाएंगे, कितने पीक्स जाएंगे, आई डोंट नो. और सामने देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ियों का. वेस्टर्न घाट्स हैं. मज़ा तो बहुत आ रहा है. बस सब ऐसे ही चलता रहे. एंड कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. सो सी यू सून. चलिए एंजॉय करिए इस राइड को एंड थम्स अप दबा के जाइएगा. और एक बहुत ही मस्त किस्सा हुआ है. अभी हम लोगों ने जस्ट एक चेक पोस्ट पास किया है. तो चेक पोस्ट पर क्या हुआ, उन्होंने मुझे नहीं रोका. दे वेर चेकिंग द RC एंड ऑल दोज थिंग्स फॉर टू व्हीलर्स. बट शायद मेरी BMW देखी तो मुझे जाने दिया. और बल्ली पाजी को भी नहीं रोक पाए क्योंकि उन्होंने आर्मी का कुछ तो ट्रैक पेंट टाइप पहना हुआ. तो बोलते कि आर्मी यू कैन गो. तो उन्होंने बल्ली को भी नहीं रोका और जाने दिया. तो हम लोग थ्रू हो गए जस्ट विदाउट एनी हैसल. इट्स ऑफ टू आर्मी बिकॉज समवेयर वी आर नॉट मिसयूजिंग इट. बट उन्होंने रोका नहीं और हम रुकना चाहते थे. उन्होंने बस बोला कि नहीं आप जा सकते हैं. इट इज़ लाइक दैट. चलो खैर एंजॉय करो, मस्त राइड को. And now we are stuck on a traffic jam on Mullayanagiri peak. Yes, फंसे हुए हैं. पिछले 15-20 मिनट हो गया है और वन वे चल रहा है. और ये बहुत ज़्यादा क्लोज, बहुत ही अच्छा शॉट खेला यहाँ पर इस ट्रैवलर ने. और बच गई है ये कार, देख सकते हैं आप सामने. वेलकम टू एडवेंचर सिंह जी. तो हम लोग आ गए हैं मुल्लयांगिरी ट्रैक पर. एक्चुअली नॉट अ ट्रैक, हम लोग बाइक लेके पूरा ऊपर तक आ गए. लेकिन अब जो है हमको, जो आपको दिख रहा है वो ऊपर, वो पीक, हमको वहाँ जाना है. और ये पूरा रास्ता ऊपर जाने का है. तो अभी तो फिलहाल जतिन, बल्ली और मैं थोड़ा सा मैगी नूडल्स टेस्ट कर रहे हैं. देखो फिर आगे जाएंगे. अगर ट्रैक पे अगर मैगी नहीं खाया ना, गिरा रहा मेरे को बोल रहा था, तो मज़ा नहीं आया. सही बात है, मैगी खाना ज़रूरी है. चलो फिर चलते हैं ट्रैक पर. काफ़ी मज़ा आया ऑफ रोडिंग में. व्यू तो बहुत शानदार थे और रोड में बहुत स्लश था. बट BMW परफॉर्मिंग वेरी वेल. पार्क कर दिया उसको, थोड़ा सा कंसर्न है BMW का.
बट एनी वेज चलो फिर चलते हैं ऊपर ट्रैक पे। काफ़ी लंबा ट्रैक दिख रहा है मुझे तो यहाँ से जाने के लिए। आई थिंक मोर देन हाफ एन आवर, वन आवर तो लगेगा ना, एक घंटा तो लगेगा ऊपर जाने में। फोटो भी तो खींचना भाई। सही बात है। वो देखो एक लड़का, वो एक लड़का स्पेशल है, अलग ही रास्ते पे जा रहा है। मंजिल एक है। हाँ हमारी मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है। आई शाबाश, अभी से लग गई है भाई, बता दे रहा हूँ मैं। फिट हो तो हिट हो। अमेजिंग, काउंट करना चाहिए स्टेप्स। वी आर अवॉइडिंग द स्टेप्स, थकान कम होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू व्लॉग, यू कैन सी माय ब्रेथ गोइंग अप एंड डाउन, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डू इट। ये कचरा फेंकने वालों पे ना जुर्माना लगना चाहिए, बता दे रहा हूँ मैं। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन, पहुँच ही गए हैं बस। और अभी नज़ारा दिखाते हैं आपको, बहुत शानदार नज़ारा है। हमारा एक दोस्त वो नीचे खड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको वो नीचे, बट नज़ारा देखो यार आप। जब भी आप कहीं जाते हैं तो प्लीज़ एक बात को ध्यान रखिए कि प्लीज़ प्लास्टिक्स को बैन करना है, प्लास्टिक्स को अवॉइड करना है। यू कांट एक्चुअली डिस्ट्रॉय द नेचुरल प्लेसेस लाइक दिस। बल्ली भाई कलेक्ट कर रहे हैं सारी बोतलों को एक एक करके। आई थिंक इट्स अ लॉट, मींस ओनली 1% कांट डू इट अलोन। तो सभी को हाथ बढ़ाना है एक साथ, और कहीं पर भी जा रहे हैं तो प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं उनका यूज़ थोड़ा कम करिए, एंड प्लीज़ रिसाइकल दैम, फेंक ही नहीं, साथ में कैरी करिए अगर कर रहे हैं तो। It is our humble request to all the subscribers, to all the viewers, those who are seeing, please whenever you go any natural places, don't disrupt the beauty by plastics, don't use the plastic bottles, carry your own bottle. कितनी मतलब एक छोटी सी पॉलिथीन बस कम पड़ गई है और पूरी पॉलिथीन भरी हुई है इसमें। पर आप भी एक चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि आप जहाँ भी जाएं एक इको बैग साथ में रखें, इसको इको बैग बोल सकते हैं आप। जो भी आपको पॉलिथीन प्लास्टिक कुछ भी दिखता है कुछ भी उसी टाइम डालें। आप ये मत समझे आप अकेले हैं, आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ 10 लोग और आएंगे। श्योर, हम लोगों की हेल्प करने के लिए 3-4 लोग और भी आ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव गॉट ओनली जस्ट वन पॉलिथीन। तो प्लीज़ डोंट यूज द पॉलिथीन, ओके, प्लास्टिक्स ऑल्सो। देखते हैं यहाँ पर लिटर करने के लिए कुछ शायद मिल जाए हम लोगों को। पीपल आर एजुकेटेड बट नॉट सिविलाइज्ड। Don't try this at home. This is really dangerous. They are playing with their lives. This is not recommended. Now we are returning back. अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, अभी बाइक निकालने का टाइम है और यहाँ से करते हैं टाटा बाय बाय। तो मिस्टर नेविगेटर बोल रहे हैं बटर मिल्क फॉल चलते हैं। ओके, बटर मिल्क फॉल इधर है, हम उधर हैं, उधर हैं। चलो ठीक है, देखते हैं कितना दूर है बटर मिल्क फॉल, क्या मिलता है बटर मिल्क फॉल में। एक फॉल तो करना ज़रूरी है वैसे भी। फिर मैं निकलता हूँ, चलिए फिर। के लिए और वेज पुलाव मैंने ऑर्डर किया है, बल्ली ने ऑर्डर किया है आई थिंक एग राइस। जतिन भी वेज पुलाव के मूड में ही लग रहा है, आ चुका है। तो चलो फिर लंच करता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे, है ना, फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। ऑन द वे टू बाबा बुदानगिरी, प्लान में चेंज किया है, डब्ल्यू बे फॉल्स कैंसिल करके। बहुत भीड़ है डब्ल्यू बे फॉल्स के आसपास। ये देखिए यही होता है, ऐसा नहीं करना भैया।
एंड पॉइंट पर टोटल ऑफ रोडिंग, मतलब पूरी लद्दाख वाली फीलिंग है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पर ग्रीनरी है, लद्दाख में बर्फ है। व्यू तो मस्त है यार, पहाड़ों पे हैं तो व्यू तो अच्छे होंगे ही, आप भी एंजॉय कर लो और क्या। यार गोइंग बैक पब्लिक नहीं होना चाहिए ना, तो बाकी सब सही है। क्या बोलते हो, वीकेंड पे मत आओ, वीकडे पे छुट्टी लेके आओ। वीकडे पे छुट्टी जगह है, नहाना वाना हो तो इट्स ओके। एक्चुअली क्या है ना, लॉन्ग वीकेंड है शायद इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर लॉन्ग वीकेंड नहीं होता ना तो मतलब बहुत अमेजिंग जगह है, रियली ब्यूटीफुल प्लेस है। और रास्ते में तो मतलब आपने देख ही लिया नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे थे, टाइमलेस भी एंजॉय कर लिया। तो अब लाइक बटन भी दबा दो यार, क्या कर रहे हो यार। चलो फिर अब मिलते हैं चिकमंगलूर में, है ना यार। ओके बाय। दिस प्लेस इज नोन एज सिरी कॉफी, इट इज रिटन देयर सिरी कॉफी, इट इज़ अ फेमस कॉफी सेंटर इन चिकमंगलूर। इफ यू आर विजिटिंग चिकमंगलूर एंड यू आर गोइंग टू मुल्यानगिरी, देन डू विजिट दिस। कतई जहर है लड़का, कॉफी। तो चलिए कॉफी ब्रेक हुआ खत्म, वापस चलते हैं सेट फॉर बैंगलोर। राइट नाउ वी आर इन चिकमंगलूर, डिपार्टिंग शॉर्टली फ्रॉम चिकमंगलूर टू बैंगलोर। आई थिंक इट इज अ 4 to 5 hours राइड, नाइट राइड ही करेंगे ऑफ कोर्स। ये जो होटल आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड गैलेक्सी इन, इट इज अ गुड प्रॉपर्टी, नाइस प्लेस टू स्टे, इट्स अ थम्स अप। 7:42 इन द इवनिंग एंड वी आर just starting from Chikmangalur. Oi! Pata nahi bhai, teri gaadi nahi dikh rahi usko yaar. Crazy people. ₹50-60 kilometers done. And we are here for dinner. And with the dinner and now we are starting again to our destination, that is Bangalore. Probably I think by 1 or maybe 1:30 or maybe 2 we will reach Bangalore, right Jatin? Yes. और यहाँ पे थोड़ी ठंड हो रही है, तो अगर आप रात को travel कर रहे हो तो make sure that you carry a jacket or something, warm clothes. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, then I think from here Bangalore is just 100 kilometers and we are just reviving it. Somewhere around 100, 110, 114 I've touched. It is just going smooth. बहुत मज़ा आ रहा है रात। मीन्स ऐसा है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे हूँ, दिल्ली चंडीगढ़ कर लो ये वाला कर लो, लेकिन ये वाला बहुत मज़ेदार है। मतलब नाइट में ना चले जाओ, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता ना तो बहुत मज़ा आता है। अभी रुके हुए हम लोग एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए। क्विक अपडेट, 11:30 PM, डेट 20th October 2018 and we are at Bappan Addu tea stall. Just had a coffee break, now leaving for Bangalore again. We are back and it's almost 2 a.m. in the morning. We have just arrived here, totally exhausted. Anyways, तो ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ही, और होपफुली आपको ये जो कूर्गमेनिया के सारे एपिसोड्स हैं पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर थॉट्स, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ ही गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय। Uh-huh.